सत्यम समाचार। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। 21 फरवरी को थाना कुराली क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पर्दाफाश कर दिया गया। सगे भाई ने ही जमीन के लालच में अपने भाई और भाभी का नरसंहार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस लाइन के मनोरंजन सदन में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम निजामपुर में विघ्नेश पुत्र शांति शरण शर्मा तथा उसकी पत्नी गीता देवी की रक्त रंजित लाश मकान के कमरे से बरामद हुई थी। गीता देवी की मासूम बेटी वैष्णवी गंभीर रूप से घायल थी। दंपति की निर्दयता पूर्वक लोहे की वसूली से सिर में गहरी चोट पहुँचाकर हत्या की गई थी। वैष्णवी की भी हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह बच गई। एसपी ने बताया घटना के खुलासे के कुरावली पुलिस को कड़े दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि परिवार वालों ने मृतक के छोटे भाई अवनेश पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। अवनेश पर परिवार के लोगों को शक था। थाना प्रभारी कुरावली ने मुखबिर की सूचना पर अवनेश के जीटी रोड स्थित नवीन मंडी के पास से गिरफ्तार किया। अवनेश ने पुलिस को बताया कि भैया भाभी के कोई संतान नहीं थी। मैं सोच रहा था भैया के हिस्से की जमीन उसे ही मिलेगी, लेकिन कुछ दिन पूर्व भैया भाभी ने वैष्णवी को गोद ले लिया था। उसे डर था कि जो जमीन उसे मिलने वाली थी उसके भैया भाभी वैष्णवी के नाम कर देंगे। इसके बाद दोनों को ठिकाने की योजना बनाई। दवे पांव जाकर भाई के कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद योजना के तहत लोहे की वसूली से सिर पर प्रहार करके भैया विघ्नेश और भाभी गीता की हत्या कर दी। वैष्णवी की भी हत्या करने के लिए उसके सिर में गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन वह किसी तरह से बच गई। एसपी ने बताया जमीन हड़पने की नीयत से ही अपने ही भैया भाभी की निर्दयता पूर्वक हत्या की है। पुलिस ने हत्यारोपी को निशानदेही पर घर के पास ही बने ट्यूबवेल के कुआं से लोहे की वसूली को बरामद कर लिया। लिखा पड़ी के बाद हत्यारोपी को जेल भेज दिया। कुरावली क्षेत्र के गांव निजामपुर में एक डबल मर्डर के रूप में पति पत्नी की हत्या हुई थी और उनकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस सूचना पे हमारी मैनपुरी पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया गया। इसमें हत्यारा मृतक का सगा छोटा भाई निकला, जिसका नाम अवनेश है। इसको शंका के आधार पे पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो इसने जुर्म का पूरा इकबाल कर दिया। इसकी निशानदेही पर घटना करने वाला हथियार वसूला, बरामद किया गया कुएं से, और इसका स्वेटर जिसपे खून के धब्बे थे उसको भी इसी की निशानदेही पर इसके घर से बरामद किया गया। घटना के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो अपने बारे में बताया कि एक बहुत ही शराबी आदमी है, शराब की लत है इसको, और शराब के लत में इसने अपना 4 बीघा खेत पहले ही बेच चुका है और अब इसकी नज़र अपने भाई के 4-5 बीघा खेत पर थी। क्योंकि भाई की कोई संतान नहीं थी और भाई ने एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया था तो इसके अरमानों पे पानी पड़ गया था और इसी का बदला लेने के लिए और सभी कांटों को अपने रास्ते से साफ करने के लिए इसने इरादा बनाया और उसी घर में सोते हुए रात में 1:30 बजे उठा और एक बंसूला से पहले अपनी भाभी को मारा, फिर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और 8 माह की छोटी बच्ची के भी सिर पर प्रहार किया। परंतु बच्ची का दवा इलाज कराया जा रहा, वो बच जाएगी। और आज इस हत्यारे को, शातिर हत्यारे को सबूतों के साथ न्यायालय को प्रस्तुत